Hey guys, what's up? Welcome back to SR Pictures guys. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थडे फोटो एडिटिंग के ऊपर, जो कि कुछ इस टाइप की होने वाली है गाइस। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको इस बैकग्राउंड को ले लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसके ऐड फोटो में चलना है, ऐड फोटो में जाने के बाद आपको इस वाले बलून की एनजी को ऐड करना है, देन उसको इस टाइप से यहाँ पर सेट कर देना है। जो आपको कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, इन पॉइंट पर आपको सेट करना है कुछ इस टाइप से। देन उसके बाद में आपको उसकी ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई कर देना है कुछ इस टाइप से गाइस। उसके बाद में आपको इसका डुप्लीकेट लेयर कर लेना बना लेना है, एंड उसे कुछ इस टाइप से सेट कर देना है। इसे चारों कॉर्नर पे आपको सेट करना है इस बलून पीएनजी को, ताकि हमारी जो वाल है पीछे की वो एकदम खाली खाली ना लगे। चलिए जल्दी जल्दी इस बलून पीएनजी को सेट कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है, एंड उसके बाद में आपको फिर से ऐड फोटो में चलना है, एंड इस पीएनजी को ऐड कर लेना है कुछ इस टाइप से, देन राइट क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपने मॉडल का पीएनजी ऐड कर लेना है कट आउट, एंड उसे इस टाइप से सेट कर देना है कुछ। जस्ट आपको अब टेबल एंड केक का पी एन जी एड करना है, नाइफ का, नाइफ और केक के पी एन जी को साइड में कर देते हैं। टेबल के पी एन जी को जिस टाइप से जूम करके यहाँ आपको सेट करना है। उसके बाद में आपको केक के पी एन जी को टेबल के ऊपर सेट करना है, फिर इस टाइप से, एंड फिर नाइफ के पी एन जी का साइज छोटा करते हुए इसको रोटेट इसे रोटेट कर लेना है, जूम करके कुछ यहाँ पे इस टाइप से सेट कर देना है कुछ इस टाइप से। राइट क्लिक करना है, फिर से ऐड फोटो में चलना है। इस बार इस बलून पीएनजी को ऐड करके इसका ब्लेंडिंग मोड को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड यहाँ पे इस टाइप से सेट कर देना है। बस उसके बाद में आपको इस नंबर वाले पी एन जी को ले लेना है, एंड इसकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेना है, इसे साइड में कर देते हैं, एंड इसे क्रॉप करके क्रॉप करना है। आप जितने भी साल के हुए हो या जिसके लिए भी आप बना रहे हो उस हिसाब से आप यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। कुछ इस टाइप से इसे यहाँ पे सेट कर देना है इस टाइप से, फिर से ऐड फोटो में चलना है, एंड इस वाले पीएनजी को इस बार ऐड करना है, एंड इसे कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेट करके इसकी ओपेसिटी अराउंड 50 के आसपास रखना है, एंड देन राइट क्लिक करना है फ्रेंड्स। ऐड फोटो में चलने के बाद आपको इस ग्लो वाले पीएनजी को ऐड करना है, एंड इसे फोटो में इस टाइप इस कॉर्नर में सेट करना है, एंड इसकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना है, एंड इसे इस साइड इस कॉर्नर में सेट करना है, राइट क्लिक करना है। देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद में आपको टूल्स वाले ऑप्शन में जाके एडजस्ट में जाना है, एंड इसकी ब्राइटनेस हल्की बढ़ाना है, एंड इसके कंट्रास्ट को बढ़ा देना है 5-7 पॉइंट तक, एंड इसकी हाईलाइट बढ़ा देना है फ्रेंड्स 8-10 पॉइंट तक, एंड आपको इसके टेम्परेचर को -10 के आसपास ला देना है, 10-15 के आसपास, एंड देन राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐड फोटो में चलना है, एंड हैप्पी बर्थडे का जो टेक्स्ट पीएनजी है इसको ऐड करना है यहाँ पे मॉडल की फ़ोटो के ऊपर इस टाइप से, एंड एडजस्ट में चल के इसके ह्यू को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम जिस टाइप से रखना चाहिए कुछ इस टाइप से सेट कर देते हैं, एंड देन राइट क्लिक कर देते हैं। देखते सकते हैं आप बर्थडे की फ़ोटो जो है वो अच्छे से एडिट हो चुकी है। इसके बाद में आपको सिंपल ड्रॉ टूल में चलना है, ड्रॉ टूल में जाकर 3 डॉट में जाकर सेव करना है फ्रेंड्स।
आप लोग सीख ही गए होंगे बर्थ सर्टिफिकेट फोटो एडिट करना। तो फ्रेंड्स आप इंस्टा की फोटो एडिट करते हैं तो मुझे इंस्टा पे टिक करना ना भूलिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।